ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और आपको पता है कि आपकी टीम में जो बॉलर है कि आपको कोई भी सिचुएशन में आपको टीम को टफ सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। तो उस टाइम पे आपको यही सोचना है कि आपके पास क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है कि उन्होंने इस तरह की ओवर डाली है। ऑब्वियसली आप बोलते हो कि पार्टनरशिप में जैसे बैटिंग होती है वैसे पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है, तो मैं जस्ट यही सोच रहा था कि अगर उस एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही है तो मैं इस विकेट पे मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है। तो जस्ट एक दो बॉल के बाद मुझे पता चल गया कि अगर चेंज ऑफ पेस और लेंथ वेरी करते रहेंगे तो अच्छा है इस विकेट पे, तो वो ज़्यादा मुश्किल है मारने के लिए। तो मैं वही कर रहा था, ज़्यादा वो नहीं सोच रहा था ऑब्वियसली कि सामने वाले एंड से उसने इतना अच्छा डाला है, मुझे ये करना पड़ेगा वो करने पड़ेगा। अगर मैं वो सोचूंगा तो अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, तो मैं यही सोच रहा था। दाग लागुक जतबार बार्जर इजी क्लीन एकबार कि मैं इस सिचुएशन में मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो वही मेरा प्लान था और वही थिंकिंग से मैं बॉल डाल रहा था। से T20 में आपको अहेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बैट्समैन से आगे कैसे सोचते हो, आप क्या प्लान करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बैट्समैन सोच रहा है कि आपको मारने के लिए, ऑब्वियसली आप वीडियोस देखते हो, सब देखते हो, तो मैं यही सोचता हूँ कि वो कहाँ पे मुझे रन मार सकता है और मेरी स्ट्रेंथ पे मुझे कहाँ पे वो मार सकता है। तो वो सब बेसिस मैं कवर करता हूँ और उसके हिसाब से मैं बॉल डालता हूँ। और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आई थिंक ये स्वीप शॉट मारने जाएगा या कुछ और करने जाएगा, तो मैं अपनी लाइन लेंथ में मिक्स इट अप करता हूँ। स्वीप शॉट के लिए ऑब्वियसली आपको लेंथ बॉल चाहिए, अगर वो बॉल नहीं है तो मैं ज़्यादा फुलर डालने की कोशिश करता हूँ कि उसको अनकम्फर्टेबल हो। तो आई थिंक वही प्लान होता है बेसिकली कि हाँ, कभी वर्क करता है, कभी ऑब्वियसली बैट्समैन भी आगे सोचता है कि यार वो भी वीडियोस देख के आते हैं। तो या वही प्लान होता है मेरा जब भी मैं बॉल डालता हूँ, अगर अच्छे बैट्समैनों के सामने बॉल डालता हूँ तो यही प्लान होता है मेरा। आई थिंक मुझे लगता है थॉट प्रोसेस तो ऑब्वियसली कैप्टन और कोच बताएंगे कि क्या उनका थॉट प्रोसेस है, बट मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं, मुझे पता है मेरा रोल क्या है। मैं पावर प्ले में डाल सकता हूँ, मिडल ओवर में भी डाल सकता हूँ, या लास्ट में अगर 16th ओवर या 15th ओवर डाल सकता हूँ। सो मेरे को उतना पता है कि मेरा रोल क्या है, मुझे कोई भी सिचुएशन में कप्तान बुला सकता है। तो मेरा प्लान यही रहता है कि उस टाइम पे क्या टीम को ज़रूरत है, अगर लग रहा है मुझे कि इस टाइम पे अटैक करने की ज़रूरत है, विकेट लेने की ज़रूरत है, तो मैं उस तरह से अपना प्लान करता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। और अगर लगता है कि इस टाइम के जैसे पाकिस्तान के सामने था जब 16th ओवर डालने आया, तब ऐसा था कि रन अगर मैं जितने इस ओवर में कम दूंगा तो बहुत अच्छा है टीम के लिए। सो बेसिकली अकॉर्डिंग द सिचुएशन मैं प्लान करता हूँ अपनी बॉलिंग का। और या आपने जैसे बोला कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ऑब्वियसली जिस तरह की विकेट्स है इधर, तो मुझे लग रहा है कि एडवांटेज है। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसमें से 2 फिंगर स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है। तो और मैं जितना खेला हूँ दोनों के साथ बहुत अच्छा खेला हूँ, तो आई थिंक हम तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तालमेल अच्छा है, हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। जैसे जो भी पहले बॉल डालने आता है या कुछ आता है, तो हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि इस विकेट पे क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप जब बॉलिंग एज अ बॉलिंग यूनिट बॉलिंग करते हो।